तो अब जो हमारा क्वेश्चन है वो रहता है ये 1.3। ठीक, इसके अंदर ये क्या बोलते हैं, कोई गैस है आपके पास, कोई भी एक गैस है, ठीक, जो किसकी है, बनी है हाइड्रोजन की और कार्बन की, यानी कि हम इसको हाइड्रोकार्बन को कुछ ऐसे दिखा देते हैं। ठीक, और जब भी कोई हाइड्रोकार्बन गैस बर्न होती है तो ये सिर्फ दो प्रोडक्ट देती है, एक तो देती है CO2 और दूसरा देती है H2O यानी कि वाटर। साथ में इन्होंने बताया है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, ठीक, इस सैंपल से, उसकी जो अमाउंट होगी वो होगी 3.38 ग्राम। तो ये सी वाली जो हमारे पास वो रहेगी हमारी 3.38 ग्राम। साथ में उन्होंने बोला है कि इसकी जो इसके बाद जो निकलेगा वाटर उसकी अमाउंट होगी 0.69 ग्राम। ऑलराइट, ठीक, इतना होने के बाद ये बोलते हैं कि जो इसमें जो गैस इस्तेमाल हुई है वो पूरी पूरी 10 लीटर है। ठीक, और ये 10 लीटर गैस का जो मास दिया है वो दे रखा है उन्होंने 11.6 ग्राम। ठीक, ये इतनी डेटा गिवन है। अब तुमको फाइंड आउट करना है यहाँ पर इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला, साथ में ये भी बताना है कि इसका मोलर मास ऑफ द गैस क्या होगा, और साथ में बताना है कि इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमको इन सारी चीज़ों को क्या करना है, कैलकुलेट करना है सिंपली। ठीक, तो ये हमारे पास डेटा गिवन है। अब सपोज़ करो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं, और इसके ऊपर हमको देखना है कि इसमें जो कार्बन है हमको बतानी है, पहले सबसे पहले निकालनी है फॉर्मूले के अंदर हमको, जैसा पता है कि कोई गैस है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन है तभी क्या होगा, फॉर्मेशन हो सकता है CO2 का और वाटर का। ठीक, क्योंकि इनको ऑक्सीजन तो नेचर से मिली जाएगी, यानी कि ऑक्सीजन जिसकी प्रेजेंस में ये जल रहे हैं वो तो हमको मिली जाती है नेचर से। ठीक, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम स्टडी करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हमको निकालना है वेट ऑफ कार्बन। ऑलराइट, यहाँ पर हमको वेट ऑफ कार्बन निकाल लेना है। अब वेट ऑफ कार्बन निकालने से पहले जो सबसे ज़्यादा ख़ास चीज़ आती है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हमको इस चीज़ को सॉल्व करना है पहले। तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक, उसमें टोटल जो कार्बन है उसका जो मास होता है वो होता है 12, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास हम जानते हैं कितना होता है, 44। ठीक, और कितना प्रोडक्ट बन के आया था इसका, जो कार्बन डाइऑक्साइड का टोटल मास था वो आया था 3.38। ठीक, तो अगर हम 12 को मल्टीप्लाई करवा दें 3.38 से और उसको फिर डिवाइड कर दें हम 44 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.9218 ग्राम। तो इतना क्या है, कार्बन का मास हमारा आता है किसके अंदर, 3.38 के अंदर। अब दूसरी चीज़ बचती है हमारे पास वेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन यानी कि वाटर के अंदर, हम जानते हैं वाटर के अंदर ये टोटल 2 मोल होते हैं या 2 एटम्स होते हैं, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। टोटल मास जो होता है वाटर का वो 18 होता है, तो डिवाइड कर देंगे 18 से और मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 0.69 से। ठीक, जब आप 0.69 से, यानी कि जो आपका 0.69 है, 0.69, ठीक, और यहाँ पे 2 से क्या करते हैं डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9। ठीक, तो हम क्या करना है, अब हमको 0.69 को डायरेक्टली डिवाइड कर देना है किससे, 9 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.07666 एंड इट कीप गोइंग बिकॉज ऑफ द ओल्ड नंबर्स। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ये कीप गोइंग रहेगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि टोटल मास क्या है, टोटल मास ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, तो हमको पता चलता है कार्बन और हाइड्रोजन का टोटल मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा इन दोनों का ऐड करने पर जो भी मिले हमको 66। ठीक, तो इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो हमको पता चलता है कि इन दोनों का एडिशन जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा, इस जगह पर हम यूज़ कर रहे हैं किस चीज़ को, 0.09
ओके डिवाइड बाय 9 तो था ही वो, ठीक। इसमें हमको एडिशन कर देना है 0.9218, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 0.9984 ग्राम। क्या है टोटल वेट आ गया हमारे पास, जो भी हमारे पास किसका प्रेजेंट था, जो भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है, जो भी हाइड्रोकार्बन है उसका टोटल वेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक। अब इससे हम क्या कर सकते हैं, लिसन, यहाँ से हम निकाल सकते हैं परसेंटेज। तो मास परसेंटेज ऑफ कार्बन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक। तो ऊपर हमको वैल्यू रखनी है मास ऑफ कार्बन, नीचे रखना हमको टोटल मास, इनटू कर देना है 100 से, ठीक। तो हमारे पास मास ऑफ कार्बन जो आई थी हमारे पास वैल्यू, वो थी 0.9218, ठीक। टोटल मास जो अभी हमने निकाला है वो आया हमारे पास 0.9984 इंटू 100%, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 100% हो जाएगा, ठीक। अब जो हमारी वैल्यू है जो कार्बन वाली वैल्यू है जिसको हम बोलते हैं 0.9218, उसको हम यहाँ पे डिवाइड कर देंगे किससे, 0.9984 से, 9984 से जब हम डिवाइड करेंगे और हमको इसको मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देना है हमको कितने से, 100 से, ठीक। तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 92.3277%। ऑलराइट, इसी तरीके से हम निकाल लेंगे अब मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। तो हाइड्रोजन का हमारा टोटल मास कितना आया था, हाइड्रोजन का हमारा टोटल मास आया था यहाँ पर 0.07666 और टोटल मास है इसका 0.9984 और इनटू 100%, ठीक। जब हम इसकी जगह पर वैल्यू रखते हैं तो हम पाते हैं कि यहाँ पर वैल्यू रखने पर हमको, अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख दें, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी वैल्यू कितनी है 0.0766, देन जो हमारी वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7.6722। ऑलराइट, ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है और वो भी किस में, परसेंटेज में, ठीक। तो इन वैल्यूज़ का हमको ख़ास तौर से यहाँ पे आगे ध्यान रखना है। तो हमारी पहली वैल्यू रही कौन सी, पहली वैल्यू रहती है हमारी जो कि कार्बन के लिए है और दूसरी वैल्यू है हमारी इसी वाली, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो परसेंटेज आई है कार्बन की, दैट इज़ 92.92, हियर इट इज़ 92.3277% ऑल राइट। इसी तरीके से जो परसेंटेज आई थी हमारी हाइड्रोजन की वो आई थी 7. एंड लेट मी सी, बिकॉज मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करना चाहता, 7.6722% ऑल राइट। अब इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, जब हमको ये पता चल गया कि ये 100% है तो मैं इसको टोटल कंसिडर कर लूँगा कि अगर पूरा मास, मेरा पूरा जो मिक्सचर था उसका मास अगर 100 ग्राम था तो इसका मतलब कार्बन की परसेंटेज जो है, अगर हम उसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो कार्बन का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा डायरेक्टली हमारे पास 92.3277 ग्राम, ठीक। इसी तरीके से हाइड्रोजन का जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा क्लियरली यहाँ पर 7.6722 ग्राम, ठीक। फिर क्या निकालेंगे हम, मोल्स ऑफ कार्बन निकालेंगे, तो हमको पता है 92.3277 को हमको डिवाइड कर देना है कितने से, 12 से। और जब हम इस वाले नंबर को डिवाइड करेंगे, जो कि नंबर हमारा क्या रहता है, जो हमारे पास जो वैल्यू जो अभी बन कर आई है वो वैल्यू को अगर हम डिवाइड कर देते हैं, सपोज़ करें
92.3277 को अगर हम डिवाइड कर दें 12 से तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 7.6939 नंबर ऑफ मोल्स। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स। इसी तरीके से अगर हम हाइड्रोजन के लिए कैलकुलेट करते हैं तो हमको पता है ये 7.6722। ठीक, और इसको डिवाइड करेंगे, हाइड्रोजन का मोलर मास होता है हमारे पास हमेशा 1। ठीक, और जब हम इसको 1 से करेंगे तो हमारा आंसर फिर से आ जाएगा 7.6722। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो इसके मोल के रेशियो हैं वो पहले केस में जो कार्बन था उसका मोलर रेशियो आया था हमारा 7.6939, जबकि हाइड्रोजन का जो हमारा मोलर रेशियो आया है वो आया है हमारे पास 7.6722। अब इन दोनों नंबर को जो सबसे कम वैल्यू है उससे एक बार डिवाइड कर दो, तो हम यहाँ पे जो सबसे कम वैल्यू है वो ये है, तो हम इससे डिवाइड करेंगे 7.6722, इसको भी कर देंगे 7.6722, तो इसको काटने पर हमारा आंसर आ जाता है 1, और इसी तरीके से इसे काटेंगे तो इसका आंसर आता है थोड़ा 1.002 और समथिंग, लेकिन यहाँ पर जो हम इनका अगर होल नंबर बना लें इनके, तो हमको रेशियो मिलेगा 1:1, यानी कि एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है, तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आता है हमारे पास, दैट फार्मूला कम्स आउट CH। ठीक, और अगर आपसे कोई पूछे कि एम्पिरिकल फार्मूले का मोलर मास क्या है, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला मास जो है वो हो जाएगा C का हो जाएगा 12, कार्बन का हो जाएगा 1, यानी कि 13। यहाँ पर इसका एम्पिरिकल फार्मूले का मास जो मिल जाएगा हमको 13 मिल जाएगा। अब एक दूसरी डेटा दे रखी है, उसमें उन्होंने बोला है कि भाई जो 10 लीटर होता है ना, 10 लीटर गैस है उसका मास दे रखा है उन्होंने 11.6 ग्राम। ठीक, जब भी हम बात करते हैं 1 मोल की तो हमको पता है 10 लीटर का अगर 11.6 ग्राम है तो एक तरीके से आप माने 1 लीटर गैस जो होगी उसका कितना हो जाएगा 11.6/10 ग्राम। ऑलराइट, 11.6/10 ग्राम। इसी तरीके से क्या करना है, अगर सपोज़ करो ये एक की जगह क्या हो 22.4 लीटर गैस हो, तब क्या होगा, तब क्या हो जाएगा 11.6 × 10 × 22.4। ऑलराइट, हमारा आंसर कुछ ऐसा आएगा। अब इसकी अगर हम एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, ठीक, तो कैलकुलेशन हम करेंगे तो हमारा कैलकुलेशन में नंबर आएगा हमारा × 22.4 डिवाइड बाई 10, यानी कि हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर 25.98, और इसको हम राउंड ऑफ कर लें तो ये अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा हमारे पास 26। यानी कि हमको यहाँ पर पता चला कि इस फॉर्मूले के थ्रू जो हमारी गैस है, जो भी हमारी गैस है उसका मॉलिक्यूलर मास जो होने वाला है, मास गोइंग टू बी 26, मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास इज़ गोइंग टू बी 26। अगर मोलर मास है तो हम ग्राम यूज़ करेंगे, और मोलर मास है सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मास है तो हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर यूनिट। ठीक, तो यहाँ से हमको ये पता चल गया। अब हमको पता करना है कि जब भी हम क्या करते हैं, एन की वैल्यू निकालनी हो हमको, एन इज इक्वल टू, तो ऊपर आती है हमारा मॉलिक्यूलर मास और नीचे आता है हमारा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ठीक, तो ऊपर लिखेंगे हम 26, नीचे लिखेंगे 13, और हमारा आंसर आ गया यहाँ पर एन की वैल्यू 2। ठीक, अब हमको निकालना है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक, मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या होता है, एन इंटू
और जो भी एम्पेरिकल फॉर्मूला था वो रख दिया जाता है। तो n है 2 और एम्पेरिकल फार्मूला था CH, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर C2H2। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और हमारा क्वेश्चन यहाँ तक क्या है, सॉल्व हो चुका है। ऑलराइट, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होने वाला है। तो जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, लेट्स सी इट इज, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि भाई तुम्हारे पास जो है ये चीज़ें दी गई हैं, यानी कि आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर सबसे ख़ास चीज़ जो दी है वो ये कि आप देखेंगे कि इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं HCl से, और HCl से जब रिएक्शन करवाते हैं तो ये बनाता है CCl2 और साथ में CO2। ठीक, अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन CCl3 प्लस 2HCl एक्वस हों तो ये रिएक्शन करेंगे CCl2 से और यहाँ पे बन के आ जाएगा CO2। ठीक, और साथ में निकलेगी H2। उन्होंने बताया कि व्हाट मास ऑफ द CCa CO3 इज रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विद 25 ml ऑफ 0.75 ml HCl, इनके कितना मास रिक्वायर्ड होगा इससे रिएक्ट करने के लिए। ठीक, तो पहली चीज़ हमारे पास क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट है, ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, 2HCl के साथ। जब रिएक्शन होती है तो बन के आता है यहाँ पे हमारे पास कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O और साथ में निकलती है इसके CO2। ठीक, ये सारे प्रोडक्ट इसके अंदर बन के आते हैं। ऑलराइट, अब इसमें इन्होंने बोला है कि जो इसका ये जो दिया है ये 25 ml है, और साथ ही सबसे ख़ास बात कि इसके जो हैं 0.75 molar है ये सॉल्यूशन। तो इस चीज़ को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए हमको इसके कितने मोलरिटी की या फिर मोलर मास की ज़रूरत पड़ने वाली है, हमको इस क्वेश्चन में इस चीज़ को जवाब देना है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कई तरीके हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके का हम इस्तेमाल करने वाले हैं, ओके ऑलराइट, मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पर हम मोस्ट ऑफ द स्टाइल्स को कवर कर लें कि हम किस तरीके से यहाँ पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि यहाँ पर हमारे पास जो मटेरियल दिया गया है वो HCl है। ठीक, और इस HCl के अंदर क्या दिए हैं, 25 ml दिए हैं और 0.75 इसकी मोलरिटी है। ठीक, अब एक तरीका तो ये है कि आप क्या कर सकते हो कि हम पहला केस लगा लेते हैं, केस फर्स्ट, जिसके अंदर अगर आप 12th में हैं और ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिशन के लिए, तो हम फार्मूला यूज़ करते हैं इसके लिए, N1B1M1 = N2B2M2। ऑलराइट, तो यहाँ पर जो M1 है, यहाँ पर जो N है, इसको बोलते हैं N फैक्टर। ठीक, ये बस क्या बताता है, किसी चीज़ की बेसिसिटी या एसिडिटी को बताता है। ये इसका दूसरा वाला जो हमने ले रखा है HCl, ये इसका N फैक्टर हो जाएगा। ठीक, B4 वॉल्यूम है। ठीक, और M2 जो है यहाँ पर, ये है मोलरिटी। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम इन सारी चीज़ों को जान गए। अब सपोज़ करो मैंने क्या किया कि जो हमारा कैल्शियम, ठीक, तो जो ये सा वाला एटम है सिर्फ और सिर्फ, ये क्या कर रहा है, ये बना रहा है CCl2 जब HCl से रिएक्ट कर रहा है तो। ठीक, तो यानी कि 2 HCl को ये कंज्यूम कर रहा है, दैट्स वाई इसके ऊपर चार्ज भी क्या आता है, 2 पॉजिटिव का, दैट्स वाई इसका एन फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 2। वॉल्यूम हम इसके लिए भी कितना ले लेंगे, 25 ले लेंगे। ठीक, और इसकी मोलरिटी हमको कैलकुलेट करनी है। अब बात करते हैं HCl की। HCl का क्या होता है, HCl, यानी कि जब ये टूटेगा तो H+ और Cl निगेटिव ही बनाएगा, तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या लेते हैं, 1, चार्ज 1 है तो, इनटू वॉल्यूम हमको पता था 25 था, और इसकी मोलरिटी जो होने वाली है यहाँ पर वो हमारी 0.75 है।
ठीक। अब देखो ये 25 से 25 कैंसिल हो गया और हमारे पास बचता है M2 इक्वल टू 0.75 और नीचे आ जाएगा हमारा कितना 2। ऑलराइट, ये मोलरिटी हम किसकी निकाल लें, ये इसकी निकाल लें, लेकिन हमको यहाँ पर बतानी है अमाउंट कि कितनी अमाउंट यूज़ होगी। ठीक, तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं, जैसे ये मोलरिटी का फार्मूला है, मोलरिटी को अगर हम तोड़ें तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा W1, यहाँ पर आ जाएगा मोलर मास इनटू यो टोटल वॉल्यूम है, यानी कि 1000 हम मान लेते हैं, और जितना वॉल्यूम हम यूज़ कर रहे थे अभी तक वो कितना था 25, तो यहाँ पे भी हम 25 ही रख देंगे। इस साइड में दे रखा है 275 जो कि मोलरिटी थी दूसरे की, और 2 हम यहाँ से इस वाली वैल्यू को उठा के लेके गए थे। ठीक, अब चलो लेट्स सी, हम W की वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं। ठीक, जब हम W की वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे तो हम देखेंगे कि W1 इक्वल टू, और जिसका मोलर मास होता है ये होता है पूरा 100, हमने पहले भी निकाल रखा है इसके बारे में, CaCO3 का जो मोलर मास हो जाता है 100 हो जाता है। तो आप देख पा रहे होगे ये इस जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, अब यहाँ पे बचता है 10 और इधर बचता है 25, तो अगर हम इसको काटना चाहें तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक, और ये सी वाली वैल्यू जो है ये कटने के बाद हमारे पास आ जाएगी 5। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे पास बन जाएगा 0.75 इंटू ये 5 पहुंच गया इस जगह पर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, और ये 2 आ जाएगा यहाँ पर 4 के पास। ठीक, जब हम इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन कराते हैं दोनों के, तो यहाँ पर जो ऊपर वाली वैल्यूज़ है वो क्या होती है, बन जाती है हमारी आफ्टर द कैलकुलेशन, हम इसकी कराए 5×25, ये 2 रिमाइंडर हो गया, 5×7=35 और 2 ये हो जाएंगे 37। पॉइंट कितने के बाद है, 1, 2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा पॉइंट और नीचे हमारे पास 4। अब अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो पहले ये जा रहा है 36 होने के लिए 8 times, 36 होने के लिए 9 times, तो 0 point, और ये दोनों डिजिट आएंगे तो 9 time गया तो हो गया 9। ठीक, फिर कितने बचता है इससे, जब 1 और 5 हो जाएगा 15 को हम लेके जाएंगे 3 times, तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, फिर इसमें से बचता है 15 में से 3 time गया तो 12 जो माइनस करेंगे 3 बचेगा तो वो हो जाएगा 30, क्योंकि पॉइंट के बाद की वैल्यू है, दैट्स वाई हम इसको ले जाएंगे 7 time, तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.937 ग्राम। यहाँ पर इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ग्राम यूनिट हो जाएगी। इस तरीके से हम अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की कि इतनी अमाउंट कंज्यूम होगी इस रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक, इसके अलावा एक तरीका और है, आप चाहो तो उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो लेट्स सी, हम केस नंबर 2 लेते हैं। केस नंबर 2 देखो, इस केस के अंदर तुमको क्या करना है, केस नंबर 2 में सबसे पहले आपको पता करना है कि कितनी अमाउंट HCl की यूज़ हुई है। तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे कि भाई मोलरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स की जगह पर हम यूज़ कर लेंगे W, यानी कि वेट, और नीचे आ जाएगा हमारा मोलर मास ऑफ HCl इनटू टोटल, हम ml में वैल्यू ले रहे हैं तो ऊपर लेंगे 1000, और टोटल इसके जो वॉल्यूम था वो था 25। ठीक, अब देखो मोलरिटी हमने कितनी रखी थी, 0.75। ठीक है, W हमको यहाँ से निकालना है, और इसका जो मोलर मास होता है वो 36.5 होता है, बहुत अच्छे से हम जानते हैं। ऊपर की वैल्यू हमारी 1000 है और नीचे आ गया हमारा 25। ठीक है, अगर हम इस 25 से 1000 को काटते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 40। वैल्यूज़ को हम W की निकाल लें तो W बराबर हो जाएगा 0.75 इंटू 36.5 अपॉन 40। ठीक, इन वैल्यूज़ की अगर हम आपस में मल्टीप्लिकेशन कराएं, ठीक, तो इन वैल्यूज़ की मल्टीप्लिकेशन कराने के बाद जो हमारा आंसर आता है या वैल्यू आती है उसको हम दिखाते हैं इन द नंबर्स, यानी कि मैं अगर इस चीज़ को वैल्यू को कैलकुलेशन करवाऊंगा तो अगर मैं अपनी कैलकुलेटर में करता हूँ तो ये इसके नंबर कुछ आएंगे ऐसे 0.6
75625 वो भी ग्राम। तो यहाँ पे मुझको पता चल गया कि भाई इतना जो मास है वो यूज़ हो रहा है किसका, HCl का, इस रिएक्शन के अंदर इतना मास यूज़ हो रहा है HCl का इस रिएक्शन को कराने के लिए। ठीक, अब हमको पता करना है कि भाई इतने मास का अगर हम यूज़ करें HCl का तो कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास यूज़ होगा। ठीक, ऑलराइट, तो यहाँ पे हमको यूज़ करना है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का कितना मास यूज़ होगा अगर हम ये रिएक्शन करा दें तो। लेट्स सी, कैल्शियम कार्बोनेट का मास कैलकुलेट करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब सपोज़ करो हमारी रिएक्शन थी HCl के साथ रिएक्शन कर रहा था कैल्शियम कार्बोनेट। एक नया पेज लेते हैं, यहाँ पे था हमारा कैल्शियम कार्बोनेट और इससे रिएक्ट कर रहा था हमारा HCl, वो भी कितना, 2 times रिएक्शन हुई, बन के आया कैल्शियम क्लोराइड प्लस साथ में H2O और साथ में निकली थी हमारी CO2 गैस। ऑलराइट, देखो अगर इसका 1 mole यूज़ होता है तो इसके यूज़ हुए होंगे 2 mole। ठीक, जितनी स्टोकियोमेट्री होती है वही क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स यूज़ हुए होंगे। तो अगर सपोज़ करो मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि इसके जो 2 moles हैं उनका मोलर मास कितना होगा, तो HCl के 2 mole का मोलर मास, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 का होता है 36.5, यानी कि हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारी 73 ग्राम। ठीक है, यहाँ पर हमारी वैल्यू आ गई कितनी, 73 ग्राम। और 73 ग्राम से अगर हम पता करते हैं कि भाई इसके 73 ग्राम हैं और हमको करना किसको है, हमको करना है कैल्शियम के निकालने, तो कैल्शियम्स कार्बोनेट का W निकालना है कि इसका कितना कंज्यूम होगा। तो देखो बात याद रखना हमेशा कि सबसे ऊपर रखते हैं जिसके बारे में निकाल रहे हैं, नीचे रखते हैं जिसके अगेंस्ट निकाल रहे हैं, और कितना मटेरियल हम इन्हें यूज़ किया है। तो हमने देखा था कि हमारा कितना मटेरियल यूज़ हुआ था, तो वो हुआ था 0.6, लेट मी चेक वंस कितना मटेरियल हमने यूज़ किया है अभी, दैट इज़ 0.6756। अब हम इन दोनों की क्या करा देते हैं, यहाँ पर रिएक्शन जब हम फिर से इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू फिर से आने वाली है 0.937 ग्राम। ठीक, इस तरीके से हमको पता चल जाएगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का कितना वेट यूज़ होने वाला है टू रिएक्ट विद HCl और HCl की जो मोलरिटी दे रखी है उससे। ठीक, इस तरीके से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। दोनों तरीक़ों में से जो भी तरीका तुमको सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबल लगा हो उसका यूज़ करें और आंसर निकालने की कोशिश करें। अब बात करने वाले हैं हम इसके अंदर लास्ट क्वेश्चन की। लास्ट क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही सिंपल है तो हम इसके ऊपर थोड़ा डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई देखो एक रिएक्शन है, इन्होंने एक रिएक्शन कराई है कि बोले कि ये एक रिएक्शन है। ठीक, और इसमें इन्होंने बोला है कि देखो इस रिएक्शन के अंदर जो MnO2 है यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड है, वो रिएक्ट कर रही है एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है उसके 5.0 ग्राम लिए गए हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 5.0 ग्राम को यूज़ किया जा रहा है। ठीक, तो इसे समझने के लिए तुम इस तरीके से समझो कि जब भी ये 10th class के अंदर ये रिएक्शन का यूज़ करते हैं हम, जब भी हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन या फिर रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ते हैं, तो बस इसमें क्या कर दिया, थोड़ा सा मॉलिकुलर बेस को ऐड कर दिया है कि मोल्स की फॉर्म में रिएक्शन होगी तो कितना यूज़ होगा। ठीक, तो सपोज़ करो ये मेरे पास था मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैंने रिएक्शन करवाई इसकी HCl से, और रिएक्शन करवाऊँगा तो बन के आएगा मैग्नीज क्लोराइड प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक, अब देखो यहाँ पर कितने Cl2 यूज़ हो गए,
चार CL2 यूज़ हुए हैं तो हम यहाँ पे इसके लगा देंगे 4। ठीक, जब 4 लगाएंगे तो इसको भी क्या कर देंगे, डबल कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि अगर मैं इसका 1 मोल यूज़ करूँ तो इसके मैं 4 मोल यूज़ करूँगा, और जब मैं इसके 4 मोल यूज़ करूँगा तो इसका जो बन के आएगा वो 1 मोल बन के आएगा। लेकिन मुझे इससे कोई मतलब नहीं, मुझको पता है कि भैया इसका 1 मोल यूज़ करने पर इसके 4 मोल लगेंगे। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने दिया है कि भाई इसके 5 ग्राम है, यानी कि ये जो है इसके 5 ग्राम है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है, उसे आप यहाँ पर समझने की कोशिश करें। आपको इसमें किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देना, बस ये याद रखना है कि इसका मोलर मास क्या है, मोलर मास। ठीक, तो जब भी हम बात करते हैं मोलर मास की, और वो भी मोलर मास किसका होना चाहिए, इसका MnO2 का, तो वो होता है 87। ठीक, 2 ऑक्सीजन है और 1 मैगनीज है। ठीक, और जो मैगनीज जो होता है उसका जनरली जो मोलर मास हो जाता है वो हो जाता है, यहाँ पर अगर आप निकालोगे तो मैगनीज का मोलर मास ऐड कर देंगे और साथ में 2 ऑक्सीजन का कर देंगे, तो हमको इसका मोलर मास मिल जाएगा, चूँकि 87 है, आप आसानी से निकाल सकते हो, जैसे हमने पीछे किया था। हम जानते हैं यहाँ पर जो है इसके अगर 1 मोल यूज़ हुआ है तो हम इसके मोल निकाल लेते हैं, तो इसके मोल आ जाएंगे हमारे पास कितना, कि भाई इसका जो है 5 को अगर हम डिवाइड कर दें 87 से, तो हमको नंबर ऑफ़ मोल्स मिल जाएंगे। और यही नंबर ऑफ़ मोल्स को अगर हम 4 टाइम कर दें तो हमको पता चलता है, 4 टाइम करने पर हमको पता चल जाता है कि इसके मोल्स मिल जाएंगे, कि HCl के कितने मोल्स यूज़ होंगे। लेकिन हमको यहाँ पर बताना है अमाउंट, HCl की कितनी अमाउंट यूज़ हो रही है HCl। तो देखो इसमें क्या आते हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स, जो कि ये हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ HCl इनटू मोलर मास, जो कि हमको पता है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, 4 × 5/87 जो हमने नंबर ऑफ़ मोल्स लिख दिए, और यहाँ पे जो वैल्यू आई थी वो है 36.5 जो कि मोलर मास है। अब अगर हम रिएक्शन करवाएं तो आप रिएक्शन करवाएंगे तो आपका कैलकुलेशन करने पर वैल्यू जो आ रही है यहाँ पर, दैट इज़ 8.39 जो कि समथिंग हो जाएगा 8.4 ग्राम, इतने ग्राम HCl यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। ठीक, तो वो कुछ नहीं करना होता, जैसे फॉर एग्जांपल जो इसके मोल्स हैं, तो अगर 1 मोल के साथ 4 मोल इस्तेमाल हो रहे थे तो जो भी मोल इसके आएंगे उतने ही मोल का 4 गुना इस्तेमाल होगा HCl, बिकॉज द नंबर और स्टोकीमेट्री इज़ 4, तभी रिएक्शन आगे क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। बस उसी की वैल्यू को हमको उठाना है, वो नंबर ऑफ मोल की जगह रखना है, और जो HCl का मोलर मास है वो यहाँ रख देना है। तो इससे हमको क्या मिल जाएगी, अमाउंट मिल जाएगी इस रिएक्शन में होने वाली। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, एंड प्लीज़ इफ पॉसिबल देन लाइक दिस वीडियो, share with your friends, and your valuable subscriptions will motivate us in a many, many, many more ways. Thank you very much. Have a nice day. Goodbye.